महाराष्ट्रातील एसएससी जीडी मध्ये वगळण्यात आलेल्या सर्व उमेदवारांना अंतिम निवड यादीत सामावून घेण्याबाबत केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीनजी गडकरी यांच्या निवासस्थानी आप युवा आघाडीकडून भरतीग्रस्त युवासह ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या महाराष्ट्रातील पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना डावलून नवीन भरती करण्याचा कट केंद्र सरकारकडून रचण्यात आला आहे. निकेत राउत है, मैं भिवापुर तालुके से बिलोंग करता हूँ. मैं 2018 से 2018 के एसएससी जीडी कांस्टेबल के परीक्षा उत्तीर्ण हूँ. मैं पेपर फिजिकल मेडिकल सभी पास होने के बावजूद हमको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है. स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिकेशन के तरफ से 60,000 की भर्ती निकाली गई, वहाँ पर मात्र 54,000 लड़के लिए गए. बाकी जगह उन्होंने आगे वाली भर्ती में ऐड करने का निर्णय लिया. हमारी इतनी मांगे, हम माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब के बंगले के नीचे हमारी इतनी ही मांगे कि वो हमारे प्रस्तावना स्वीकार करें, वो हम सभी लड़के जितने भी हम युवा है उनको न्याय दे. हमारा हम युवा आज अपने नेताओं के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हम अपना हक किसको मांगेंगे? हमारा काम कौन करेगा? सर, हजारों संख्येनं मुलं आहेत. आम्ही याच्या आधी आमच्या दिल्लीला पण मोर्चा झालेला आहे, तिथं पण गडकरी साहेबांनी म्हटलेलं आहे की हो आम तुमचं काम करणार. 4-5 वेळा भेटून झालं, सर्व मुलं मुली सर्व तिथं दिल्लीला पण गेलेले आहे, पण आमचं काम काय झालेलं नाही. आणि नवीन भरती कालच नवीन जाहिरात आली की नवीन भरती 25,000 जेव्हा आम्ही एवढे युवा आम्ही फिट असताना मग तुम्ही नवीन भरतीची कसली गरज? काही मुलं ओव्हरेज झाले आहे, कोणाला फायनान्शियल सपोर्ट नाही, मला आई वडील नाही, मला आता परीक्षा द्यायची आहे किंवा काही द्यायची, मला सपोर्ट कोण करणार? का करणार? हा माझा मुद्दा आहे. सर नमस्कार, मैं ॲडव्होकेट सौरभ दुबे, मैं प्रदेश संघटक महामंत्री आम आदमी पार्टी युवा आघाड़ी. आज हम ये बच्चे जो 2018 कांस्टेबल एसएससी पास कर चुके थे, 3 साल से वेट कर रहे हैं कि अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको नौकरी मिलेंगी, इनको ज्वाइनिंग मिलेंगी. बिले लड़के मेडिकल पास हो गए, फिजिकल पास हो गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम इन्होंने पास कर दी, लेकिन केंद्र सरकार जो खेल खेल रही है, ये बच्चे जो उत्तीर्ण हो चुके हैं इनको इनकी परीक्षा रद्द करके नए लोगों को अपने लोगों को बैठालना चाहती है. ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी यहाँ होने नहीं देंगी. आज विदर्भ पुत्र गडकरी जी की पहचान पूरे भारत में है, लेकिन गडकरी जी भी हमारे को न्याय देने के पीछे हट रहे हैं. ये जितने बच्चे हैं सबका विदर्भ से ताल्लुक है, कोई गढ़चिरौली, अमरावती, भंडारा, लेकिन ये लोग हमारा एक षड्यंत्र जो है आम आदमी पार्टी इसको विफल करेंगी. जो अन्याय विदर्भ के साथ करेगा आने वाले इलेक्शन में जनता उनका न्याय बरोबर कर देंगी. बच्चों को जब तक हक नहीं मिलता आम आदमी पार्टी मैदान में डटी रहेंगी. धन्यवाद. बड़ो